नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लान ब्रीडिंग विद यशपान सूर्या में। तो दोस्तों, ब्रीडिंग मेथड की लेक्चर सीरीज के पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में। अभी तक हमने पार्ट 3 वीडियो तक देखा। पहले पार्ट में देखा था टाइप्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में, दूसरे पार्ट में देखा था प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में, और तीसरे पार्ट में हमने बात की थी मास सिलेक्शन के बारे में। ये सारे वीडियो यहाँ पे आपकी राइट साइड पे आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे ये सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8320202630। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये प्योर लाइन क्या है? इट इज अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस एंड सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट। ये प्रोजनी है, किसकी प्रोजनी है? सिंगल प्लांट की प्रोजनी है। वो प्लांट कैसा होगा कि सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट होगा। एंड सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट कैसे होते हैं दोस्तों, हमें पता है कि सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट कैसे होते हैं कि होमोजाइगस होते हैं। इन प्योर लाइन दिस इज अ प्रोजनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट इज नोन एज अ प्योर लाइन। एज अ रिजल्ट ऑल इंडिविजुअल विद इन अ प्योर लाइन हैविंग अ आइडेंटिकल जीनोटाइप। कि विद इन अ प्योर लाइन में क्या होता है कि आइडेंटिकल सेम जीनोटाइप होते हैं। एंड विद इन अ प्योर लाइन हमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो कैसे वेरिएशन होता है कि सोली ड्यू टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की वजह से हमें विद इन अ प्योर लाइन वेरिएशन देखने को मिलता है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या किया जाता है? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर सिलेक्टेड फ्रॉम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप एंड दिस प्लांट आर हार्वेस्टेड इंडिविजुअली एंड फ्रॉम दैट इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी आर ग्रोन एंड बेस्ट प्रोजनी आर रिलीज्ड एज अ प्योर लाइन। कि प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या किया जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सिलेक्ट किए जाते हैं, बाद में उसको इंडिविजुअली हार्वेस्ट किया जाता है, और बाद में उसके सेकंड ईयर में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन की जाती है, और दिस इंडिविजुअल बेस्ट प्लांट प्रोजनी आर रिलीज्ड एज अ प्योर लाइन वेराइटी। आगे हम देखेंगे कि ये सारी प्रोसीजर प्योर लाइन की कैसे होती है। Therefore, pure line selection is also known as a individual plant selection. कि इसको individual plant selection भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि characteristic of pure line, कि pure line की characteristic क्या है? The all plant within a pure line having the same genotype. कि pure line में जितने भी plant है within a pure line having the same genotype. Because the pure line derived from those parent which are homozygous and self-fertilized. कि प्योर लाइन कहां से डिराइव होती है? कि जो प्लांट होमोजाइगस एंड सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप है उसमें से इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी लेके हम प्योर लाइन को डेवलप करते हैं। इसीलिए विद इन अ प्योर लाइन हमें क्या देखने को मिलेगा कि सेम जीनोटाइप देखने को मिलेगा। एंड वेरिएशन प्रेजेंट इन विद इन अ प्योर लाइन इज ड्यू टू द एनवायरमेंट। कि जो प्योर लाइन में जब वेरिएशन देखने को मिलेगा वो कैसा वेरिएशन होगा कि एनवायरमेंट की वजह से वेरिएशन होगा। ये जो एनवायरमेंट की वजह से वेरिएशन होता है वो कैसा होता है कि नॉन हेरिटेबल होता है। सो दैट सिलेक्शन विद इन अ प्योर लाइन इट इज नॉट इफेक्टिव। कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब हम विद इन अ प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं तो वो वेरिएशन कैसा होता है कि नॉन हेरिटेबल होता है। अब नॉन हेरिटेबल होगा तो हम ये सिलेक्शन कैसा होगा कि नॉट इफेक्टिव होगा, कि आगे की प्रोजनी में नहीं आएगा। प्योर लाइन बिकम अ जेनेटिकली वेरिएबल विद टाइम ड्यू टू द मैकेनिकल मिक्सचर नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन। कि प्योर लाइन क्या हो जाती है कि वेरिएबल हो जाती है इन तीनों फैक्टर के कारण, और हम क्या करते हैं उस प्योर लाइन को प्यूरिफाई करते हैं। और कि प्यूरिफाई हम किस मेथड से करते हैं कि मास सिलेक्शन से करते हैं। Therefore, purity of pure line has been maintained through regular mass selection. Mass selection में हमने देखा कि हम प्योर लाइन को प्यूरिफाई करते हैं थ्रू मास सिलेक्शन। This mechanical mixture and natural hybridization can be prevented by the careful handling of pure line. However, this spontaneous mutation would produce a genetically variability. कि natural hybridization और mechanical mixture को हम क्या कर सकते हैं कि prevent कर सकते हैं, लेकिन जो ये spontaneous mutation है हम उसको control नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि use of pure line, कि pure line का हम use कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट यूज है उसका एज अ वेराइटी, कि सुपीरियर प्योर लाइन है हमारी, हम उसको यूज करते हैं एज अ कॉमर्शियल वेराइटी। दूसरा यूज है कि एज अ पेरेंट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, कि हम प्योर लाइन को एज अ पेरेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं क्रॉसिंग वर्क के लिए। तीसरा यूज है इन स्टडी ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन की स्टडी के लिए हम प्योर लाइन का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? बिकॉज द एनी जीनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द प्योर लाइन इट्स ड्यू टू द म्यूटेशन। इफ
टेकन केयर दी अवॉइड दी मैकेनिकल मिक्सचर एंड नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, कि हम मैकेनिकल मिक्सचर एंड नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन को कंट्रोल कर दे तो जो जीनेटिक वेरिएशन हमें प्योर लाइन में मिलेगा वो कैसे अराइज हुआ होगा कि म्यूटेशन से अराइज होगा। और दूसरे यूज है कि बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी प्योर लाइन का यूज हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों प्योर लाइन का यूज हम प्लांट ब्रीडिंग में ही करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग में ही हम प्योर लाइन बनाते हैं। एग्जाम्पल माइस की प्योर लाइन, पीक की प्योर लाइन और रेबिट की प्योर लाइन, ये सब सारे प्योर लाइन के एग्जाम्पल है कि एनिमल ब्रीडिंग के। तो ये सब सारे दोस्तों हुए कि यूजफुलनेस ऑफ द प्योर लाइन। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है प्योर लाइन की। सबसे पहले लुइस डी विल्मोरिन ने प्रपोज किया था कि विल्मोरिन प्रिंसिपल, यानी कि विल्मोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल, हम उसको क्या बोलते हैं कि प्रोजनी टेस्ट। ये विल्मोरिन ने प्रोजनी टेस्ट प्रपोज किया था कि शुगर बीट में प्रपोज किया था और शुगर कंटेंट के लिए ये प्रोजनी टेस्ट उन्होंने दी थी। बाद में जीनेटिक बेसिस ऑफ प्योर लाइन वॉज एक्सप्लेन बाय दी जॉनसन इन 1903। हम ये जॉनसन का एक्सपेरिमेंट आगे की स्लाइड में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि जॉनसन ने क्या कहा था कि प्योर लाइन सिलेक्शन हैज बीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रीडिंग स्कीम अप्लाइड टू जेनेटिकली वेरिएबल एंड होमोजाइगस पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। की प्योर लाइन सिलेक्शन कहां पे यूज होता है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में यूज होता है कि जिसकी होमोजाइगस पॉपुलेशन हो। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉनसन की। जॉनसन का एक्सपेरिमेंट था 1903 का, उसकी हम बात करते हैं। The concept of pure line was proposed by the Johnson. Pure line का concept किसने दिया था? Johnson ने दिया था। किसमें दिया था? French bean, यानी कि Phaseolus vulgaris। हम उसको local language में क्या कहते हैं कि राजमा कहते हैं। तो Johnson ने French bean, यानी कि Phaseolus vulgaris, राजमा में क्या दिया था कि pure line का concept दिया था। And this French bean is a strictly self-pollinated crop। जो ये Phaseolus vulgaris यानी कि French bean है, उसकी कौन सी variety उसने use की थी? Princess variety उसने use की थी। कि जॉनसन ने जो प्योर लाइन का स्टडी किया था उसमें कौन सी वैरायटी यूज की थी कि प्रिंसेस वैरायटी उसने यूज की थी। और कौन सा कैरेक्टर लिया था? सीड साइज का कैरेक्टर उसने स्टडी किया था कि सीड साइज में जो वेरिएशन मिलता है उसका उसने स्टडी किया था। और जो ये प्योर लाइन का स्टडी किया था उसमें कितनी प्योर लाइन उसने स्टडी की थी कि 19 प्योर लाइन उसने स्टडी की थी। अब ये जो जॉनसन का एक्सपेरिमेंट है हम उसकी एक सेंटेंस को ही डिटेल में समझे कि ये सेंटेंस उसका क्या कहता है। जॉनसन ने 19 प्योर लाइन स्टडी की थी और उसमें जो उसने वेरिएशन देखने को मिला, द वेरिएशन इन सीड साइज विद इन ईच प्योर लाइन हैज अ नॉन जेनेटिक बेसिस एंड इट इज एंटायरली ड्यू टू द एनवायरमेंट। कि विद इन अ प्योर लाइन उसमें जो उसने वेरिएशन देखने को मिला सीड साइज में, वो जो वेरिएशन था विद इन अ प्योर लाइन इट इज एंटायरली ड्यू टू द एनवायरमेंट। तो ये दोस्तों मैंने बीडी सिंह की बुक से फोटो लिए। तो ये दोस्तों पूरा डायग्राम है कि जॉनसन का एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले ये फ्रेंच बीन की प्रिंसेस वैरायटी है, उसमें जॉनसन ने डेवलप की थी 19 प्योर लाइन डेवलप की थी, 1 से लेकर 19 प्योर लाइन उसने डेवलप की थी। यहाँ पे उसने प्योर लाइन फर्स्ट प्योर लाइन सिलेक्ट की। फर्स्ट प्योर लाइन में मीन सीड वेट था कितना था? 640 उसका मीन सीड वेट था। अब विद इन अ प्योर लाइन उसने क्या किया कि सिलेक्शन किया। ये फर्स्ट प्योर लाइन है उसमें उसने क्या किया कि सिलेक्शन किया। किसका सिलेक्शन किया कि लार्ज सीड और स्मॉल सीड का सिलेक्शन उसने विद इन अ प्योर लाइन किया। उसमें जो उसने लार्ज सीड लिए थे उसका सिलेक्शन किया और जो स्मॉल सीड से उसका सिलेक्शन किया और 6 जनरेशन तक उसका सिलेक्शन करता गया वो। और बाद में उसको क्या मिला कि जो लार्ज सीड का सिलेक्ट और जो उसने लार्ज सीड का सिलेक्शन किया था उसका मीन सीड वेट आया आफ्टर 6 जनरेशन कितना? 680 मीन सीड वेट आया। और जो स्मॉल सीड का मीन सीड वेट आया वो स्मॉल सीड का मीन सीड वेट कितना आया कि 690 मीन सीड वेट आया। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये मीन सीड वेट आया लार्ज सीड का वो क्या था? 680 था। स्मॉल सीड का क्या था कि 619 था। तो ये लार्ज सीड का कम आ गया और स्मॉल सीड का क्या आ गया कि ज्यादा आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विद इन अ प्योर लाइन, यहाँ पे प्योर लाइन वन में ही उसने लार्ज सीड और स्मॉल सीड का सिलेक्शन किया था। तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि विद इन अ प्योर लाइन इट इज कि विद इन अ प्योर लाइन वेरिएशन इज ड्यू टू द एनवायरमेंट। कि विद इन अ प्योर लाइन हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो कैसा होता है कि नॉन हेरिटेबल होता है, इट इज ओनली ड्यू टू द एनवायरमेंट। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्योर लाइन की। प्योर लाइन की एप्लीकेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट एप्लीकेशन है इंप्रूवमेंट ऑफ लोकल वैरायटी, कि लोकल वैरायटी को इंप्रूवमेंट करना। कौन कौन से एग्जांपल है उसमें? ये एग्जांपल यहाँ पे आईएमपी है, NP4 इज अ वैरायटी ऑफ वीट।
कि NP4 वैरायटी है वीट की, वो किससे रिलीज हुई है कि प्योर लाइन से रिलीज हुई है। बाद में है T1 वैरायटी ऑफ काउपी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ लोकल वैरायटी। बाद में और एक एग्जांपल है पूसा सवानी वैरायटी। अब ये जो पूसा सवानी वैरायटी है, ये जो पूसा सवानी वैरायटी है वो किसकी है कि ओकरा की है, एबलमोस्टस एस्क्यूलेंटस। उसका सिलेक्शन हमने कहां से किया था कि लोकल वैरायटीज में किया था, इट इज फ्रॉम द बिहार। एंड दिस वैरायटी शो एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस ऑफ द ओकरा। तो ये दोस्तों एग्जांपल है पूसा सवानी भिंडी वैरायटी का, कि ये प्योर लाइन सिलेक्शन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है सिलेक्शन इन इंट्रोड्यूस वैरायटी, कि इंट्रोड्यूस वैरायटी हमने की थी उसमें सिलेक्शन किया। एग्जांपल है कल्याण सोना, कि जो हमने सीमित से इंट्रोड्यूस मटेरियल किया था उसमें से सिलेक्शन किया और वैरायटी डेवलप की। कौन सी वैरायटी थी कि कल्याण सोना, इट इज अ समवॉट रेजिस्टेंट टू लीफ रस्ट। तीसरी एप्लीकेशन है कि इंप्रूवमेंट ऑफ ओल्ड प्योर लाइन वैरायटी, एग्जांपल चाफा इज अ वैरायटी ऑफ ग्राम, पूसा बैसाखी इज अ वैरायटी ऑफ मूंगबीन, एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज द ड्वार्फ ऑफ टाइप प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम द टॉल स्केंटेड वैरायटी ऑफ प्योर लाइन ऑफ राइस इज अ कालीमुच एंड रिलीज अ न्यू प्योर लाइन श्यामा। की जो कालीमुच वैरायटी थी राइस की उसमें से ड्वार्फ प्लांट सिलेक्ट किए और नई वैरायटी रिलीज की, उसका नाम था श्यामा। एंड फोर्थ एप्लीकेशन है सिलेक्शन फॉर न्यू कैरेक्टरिस्टिक इन प्योर लाइन, कि प्योर लाइन में से नई नई कैरेक्टरिस्टिक का, नए नए कैरेक्टर का हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं। ये सारी एप्लीकेशन है कि प्योर लाइन की एप्लीकेशन है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ प्योर लाइन की, प्योर लाइन की प्रोसीजर क्या है पूरी। कि ये जो पूरी प्योर लाइन की प्रोसीजर है वो मास सिलेक्शन की तरह ही है, लेकिन मास सिलेक्शन में हम क्या करते थे, यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन किए बाद में उसका सीड क्या हम कर देते थे कि मिक्स कर देते थे। लेकिन प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या करना है कि ये जो हमारी फर्स्ट ईयर में क्या है कि ये पूरी पॉपुलेशन है मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन पॉपुलेशन है, देसी एंड लोकल वेराइटी है मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन है। बाद में हम उसको क्या करना है कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी यहाँ पे उसको ग्रोन करनी है, एक एक प्लांट को इंडिविजुअली हार्वेस्ट करना है और उसकी क्या करनी है कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन करनी है। बाद में क्या करना है कि जो अनडिजायरेबल प्लांट प्रोजेनी है उसको हम क्या कर देंगे कि रिजेक्ट कर देंगे। जो सुपीरियर इंडिविजुअल प्लांट होगा उसको हम कहां पे ले जाएंगे कि PYT में ले जाएंगे, बाद में कहां ले जाएंगे कि मल्टी लोकेशन ट्रायल में ले जाएंगे और उसको कंपेरिजन करेंगे कि चेक वेराइटी से कंपेरिजन करेंगे। और जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी चेक वेराइटी से सुपीरियर होगी तो हम उसका क्या करेंगे कि रिलीज कर देंगे एज अ प्योर लाइन वैरायटी। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पे कोई सीड मिक्स नहीं करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को ही सिलेक्ट करना है। अब जो ये इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आएगी उसको हम प्योर लाइन तरीके से यूज करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा रिप्रेजेंटेशन था कि प्योर लाइन सिलेक्शन इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। अब हम दोस्तों देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन, कि प्योर लाइन के कौन कौन से एडवांटेजेस है। प्योर लाइन सिलेक्शन अचीव अ मैक्सिमम पॉसिबल इंप्रूवमेंट ओवर अ ओरिजिनल वैरायटी, कि ओरिजिनल वैरायटी ओरिजिनल पॉपुलेशन से प्योर लाइन सिलेक्शन में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट होगा। एंड दिस प्योर लाइन वैरायटी आर एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म देन द मास सिलेक्टेड वैरायटी एंड देयरफॉर दिस प्योर लाइन वैरायटी आर प्रेफर्ड बाय फार्मर एंड कंज्यूमर। And due to this extreme uniformity, this variety are easily identification in seed certification program. कि जो ये pure line variety है वो uniform होती है, and this uniformity is one of the requirement in the seed certification of variety and registration of the variety. कि pure line variety uniform होने से क्या होगा कि उसका seed certification and registration of variety easy हो जाएगा। बाद में demerits कौन कौन से, disadvantage कौन कौन से है pure line selection के। The variety developed through pure line selection do not have a wide adaptation and stability than the local and desi variety. कि जो हम प्योर लाइन से वैरायटी डेवलप करते हैं वो क्या होती है कि यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में है कि वो स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी देन दी लोकल एंड देसी वेराइटीज। The pure line selection require much more time, space and expensive yield trial than the mass selection. कि प्योर लाइन सिलेक्शन में हम क्या करते थे कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन करते थे और उसका सीड हार्वेस्ट करते थे सेपरेटली, सबको सेपरेट करते थे, उसको मिक्स नहीं करते थे, इसीलिए हम उसमें क्या करेगा कि मोर टाइम एंड स्पेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फील्ड की स्पेस चाहिए उसको इवोल्यूट करने में, क्योंकि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इवोल्यूट कर रहे हैं। बाद में है कि इफ डिजायरेबल टाइप आर नॉट इंक्लूड इन इनिशियल सिलेक्शन they cannot be accepted to be present in progeny. कि pure line selection में हम क्या करते हैं कि superior pure line को हम identify करते हैं और बाद में उसकी individual plant progeny grown करते हैं।
लेकिन जो यहाँ पे हमें इनिशियल सिलेक्शन करना था डिजायरेबल प्लांट टाइप का, उसमें जो कोई गलती रहेगी, हमने इनिशियल में डिजायरेबल प्लांट नहीं सिलेक्ट कर पाए, तो वो क्या होगा कि आगे की प्रोजनी में हमको नहीं देखने को मिलेगा। द इम्प्रूवमेंट इज डिपेंड ऑन द जीनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में ही इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्ट करते हैं। ब्रीडर हैज डिवोट अ मोर टाइम इनटू प्योर लाइन सिलेक्शन देन द मास सिलेक्शन, कि प्योर लाइन सिलेक्शन में ब्रीडर को क्या करना पड़ेगा कि मोर टाइम देना पड़ेगा, मोर स्पेस चाहिए, मोर टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए। दोस्तों ये सारे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जो प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू हमने वेराइटी डेवलप की है। तो उसमें है सबसे पहले वीट की वेराइटीज, वीट में NP4 एंड NP6 वेराइटी ऑफ वीट इट इज डेवलप थ्रू प्योर लाइन सिलेक्शन। बाद में है उर्दबीन की वेराइटी T9, बाद में है ब्रासिका जुनसिया यानी कि मस्टर्ड की वेराइटी वरुणा और T59। ये जो वेराइटी है वो किसकी है, मस्टर्ड यानी कि ब्रासिका जुनसिया की है। एंड लास्ट रिसेंटली रिलीज्ड वेराइटी ऑफ PGNP इज अ मालविया विकल्प MA3 वेराइटी थ्रू प्योर लाइन सिलेक्शन, कि जो ये मालविया विकल्प वेराइटी है वो किससे डेवलप की है कि प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू डेवलप की है। एंड दिस MA3 वेराइटी यानी कि मालविया विकल्प वेराइटी इज रेजिस्टेंट टू PGNP स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस एंड विल्ट, एंड दिस हैज ऑल्सो एडिक्वेट रेजिस्टेंट टू पोड फ्लाई, कि जो ये मालविया विकल्प वेराइटी है वो किससे डेवलप की है कि प्योर लाइन सिलेक्शन से डेवलप की गई है। एंड दिस गिव अ रेजिस्टेंट टू PGNP स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस विल्ट एंड पोड फ्लाई रेजिस्टेंट। तो दोस्तों ये हमने बात की प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में, और आगे के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइन सिलेक्शन एंड मास सिलेक्शन, और आगे की वीडियो सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और बैक क्रॉस मेथड, और एक एक ब्रीडिंग मेथड को हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।